तो बेसिकली आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास में मैम आपके साथ हम बातचीत कर रहे हैं सिलेक्शन मेथड की। सिलेक्शन मेथड, अब सिलेक्शन मेथड हमारी पहली क्लास में क्यों बताया जा रहा है, इस चीज को एक बार जान लीजिए। बेसिकली क्या है कि हम एक्सेल में कुछ भी करने से पहले, हम सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अगर हम डेटा को सिलेक्ट ना करें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मुझे डेटा को कॉपी करना है, डेटा को पेस्ट करना है, डेटा को फॉर्मेट लगानी है, फिल्टर लगाना है, एनीथिंग मुझे अगर करना है तो नीड टू सिलेक्शन, डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसी के बाद ही कुछ कर पाएंगे। ओके मैम, हाँ जी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डेटा सिलेक्शन करने के कुछ तरीके हैं जो आपको आज की इस क्लास में समझाएंगे। जैसे आपको माउस से डेटा सिलेक्ट करना हो तो जनरली लोग क्या करते हैं कि माउस क्लिक करके क्लिक को होल्ड रखते हुए नीचे की तरफ आते हैं, क्या इस तरह से? यहाँ पे काम और कर सकते हैं, आप कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर माउस से ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की, कीबोर्ड का जो शिफ्ट की होता है उसको होल्ड रखिए और सबसे लास्ट वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, सबसे लास्ट वाले सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। अब इसके कंसेप्ट को समझिए कि आपका यहाँ आपका कर्सर है, अब यहाँ क्लिक करते हैं तो कर्सर मूव होता है क्या, लेकिन यहीं पे मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूं तो कर्सर मूव होने के बजाय शिफ्ट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होता है, उस इस तरह से। तो सेम इसी तरह से हम यहां पे शिफ्ट विद सिलेक्शन कर देते हैं कि कीबोर्ड का शिफ्ट को होल्ड करते हैं और यहां नीचे की तरफ क्लिक करते हैं तो डेटा नीचे की तरफ हमारा सिलेक्ट हो जाता है। राइट मैम, अब इसमें क्वेश्चन आती है कि तो ठीक है चलिए, लेकिन अगर कीबोर्ड सिलेक्शन करना हो तो जनरली लोग करते हैं कंट्रोल ए, या मैनुअल सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि आप शिफ्ट की को होल्ड करके अपने एरो की को मूव कर सकते हैं, लेकिन ये तो मैनुअल वन बाय वन हो जाता है, लेकिन सब इकट्ठा करने के लिए आप कंट्रोल ए कर सकते हैं, कंट्रोल ए फॉर ऑल। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल ए किया। ओके, कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट करते हैं। जी, लेकिन कंट्रोल ए ट्रिगर किसको करता है? कंट्रोल ए ट्रिगर करता है यहाँ आपके फाइनेंस लाइक के अंदर गो टू ए स्पेशल, और इसके अंदर आता है आपके सामने करेंट रीजन, करेंट रीजन को ये करता है। अब करेंट रीजन से मतलब समझ लीजिए कि जो सिक्वेंसली डेटा होगा ना उसी को करेगा। अगर हमने बीच में पूरी की पूरी कॉलम को ब्लैंक कर दिया या हमने पूरी की पूरी रो को ब्लैंक कर दिया तब आपका कंट्रोल ए वर्क नहीं करेगा, मतलब कि वो इस ब्लैंक के ऊपर का ही डेटा को सिलेक्ट करेगा, नीचे का डेटा सिलेक्ट नहीं करेगा, उस केस में आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। राइट, तो कंट्रोल ए में प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए कि ऐसे ही रफली कुछ ऐसे कुछ सॉरी इसमें डेटा वैलिडेशन लगा हुआ, रफली मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर देते हैं तो आपका कंट्रोल ए उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है मैम, इसको भी सिलेक्ट कर लेता है, इसलिए इसका ध्यान आप। दूसरा आता है कर्सर को मूव करना। अब कर्सर को मुझे सबसे नीचे ले जाना है तो माउस क्लिक करेंगे, लेकिन डेटा तो अभी चलिए 15-14 है इसलिए आप माउस से कर लेंगे, लेकिन डेटा काफी बड़ा होगा, 14-15 हज़ार होगा, लाख 1.5 लाख भी हो सकता है, तो उस समय कर्सर को सबसे लास्ट में कैसे ले जाते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं कंट्रोल डाउन एरो।
अपने कीबोर्ड का कंट्रोल, क्योंकि नॉर्मल डाउन एरो से तो एक एक सेल नीचे आता है ना इस तरह से क्या, लेकिन आप हाँ कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं तो सबसे लास्ट में आएगा, लेफ्ट अप राइट इस तरह से दिख रहा है। तो हमने कंट्रोल को होल्ड किया और एरो को अपने कीबोर्ड का एरो की यूज किया, डाउन किए तो डाउन आ गया, लेफ्ट किया तो लेफ्ट चला गया, अप किया तो ऊपर में, राइट किया तो राइट। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि बीच में अगर ब्लैंक हुआ तो एक कर्सर ब्लैंक से पहले रुक जाएगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा, जितना बड़ा ब्लैंक होगा उतना बड़ा आपको की प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है मैम, हाँ जी अब इसमें अगर हम डेटा सिलेक्ट कर ही रहे हैं तो हमारे पास एक कंट्रोल होम एंड का आता है, जैसे मैंने अगर कंट्रोल एंड कर लिया तो सबसे लास्ट में कर्सर चला जाता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड किया तो डेटा सिलेक्ट हो जाता है। तो जैसे डेटा तो सिलेक्ट हुआ है कि पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं हुआ है, फालतू के कुछ रो कॉलम यूज हो गए। देखिए कंट्रोल एंड या कंट्रोल होम जो यूज करते हैं वो बेसिकली यूज्ड सेल को करता है। अब मैं इसको कॉपी करके एक नई सेल पे आ जाता हूँ, सीट पे आ जाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो हेलो कसिनी जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो कसिनी जी, मुझे आवाज आपको आ रही है? हेलो रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो मैं यहाँ पे आपके साथ Recording in बात कर progress. रहा था कि किस तरीके से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, किस तरह से डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, Yes. तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हमने कंट्रोल ए प्रेस कर लिया, कंट्रोल ए हो गया। हमने बताया था आपको कि हमारे पास एक एंड मेथड होता है, मतलब कि आप एंड की प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो उस लोकेशन पे आप पहुंच जाते हैं, एंड की और एंटर प्रेस करते हैं, लास्ट में चले गए। हेलो हाँ समझे? जी हाँ जी हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ मैं आपको। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आप कुछ बोल रहे हो, मुझे फिर से सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, हाँ तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके सामने कि हम डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ हम कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करते हैं तो लास्ट में आता है, अप करते हैं तो होम में आता है। लेकिन ऐसी कंट्रोल शिफ्ट अगर एंड करते हैं तो सिलेक्शन बन जाती है, और ऐसे लास्ट से कंट्रोल शिफ्ट होम करते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। ये चीज हमने यहाँ इस एग्जाम्पल पे आपको की तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। दिक्कत होने के पीछे रीजन ये था क्योंकि जब आप इसको यहाँ सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल शिफ्ट होम करता हूँ तो एक ऊपर का ब्लैंक भी सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट अगर एंड करता हूं तो ये फालतू एरिया भी सिलेक्ट हो जाता है। बेसिकली कंट्रोल शिफ्ट होम या कंट्रोल शिफ्ट एंड की जो होता है वो बेसिकली यूज्ड सेल पे होता है, मतलब आपके पास डेटा हो ना हो, आपने अगर उस सेल को यूज्ड किया है तो उसके अंदर भी एप्लीकेबल हो जाती है। ठीक है कसिनी जी, हाँ जी अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब आप कर्सर मूव करते हैं तो ये कर्सर मूव करने वाला सिस्टम समझाया था मैंने आपको कि कंट्रोल डाउन लेफ्ट अप राइट, तो सबसे अच्छा सिलेक्शन करने का मेथड है कि आप कंट्रोल ए तो करते ही करें, जब कंट्रोल ए ना कर पाए तो सबसे अच्छा मेथड है कि आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने क्या किया, कंट्रोल तो शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, बस ध्यान रखिएगा कि
कि इसमें कोई ब्लैंक सेल इस तरह से ना हो, वरना आपका कर्सर वहीं रुक जाएगा। तो पहली प्रायोरिटी क्या है, कंट्रोल ए करना, दूसरी प्रायोरिटी है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड अप एरो, समझ गए। अब हाँ जी हम सीड्स की बात आते हैं। जब ये एक फाइल हम क्रिएट करते हैं, अभी मैंने बुक टू फाइल क्रिएट किया, इसमें डिफॉल्ट मुझे 3 शीट मिले। ऐसे मैं कई सारे शीट्स को यहाँ से प्लस क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ, तो शीट हमारे ऐड होंगे। अब मान लीजिए मुझे हर शीट पे डेट लिखना है, तो आप एक एक करके सब पे लिखेंगे या एक पे लिखने के बाद कॉपी करके बाकी सारे शीटों पे पेस्ट करेंगे, राइट। ओके एक तरीका है जो आप इकट्ठा कर सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की को होल्ड रखें और सबसे लास्ट शीट में क्लिक करें। ध्यान रखिएगा आपको जाना है सबसे नंबर शीट वन के जो पोजीशन है, स्टार्टिंग के जो पोजीशन, उस शीट पे जाना है, अपने कीबोर्ड का शिफ्ट की को होल्ड करना है और लास्ट वाले की पे क्लिक कर देना है, समझ गए। हाँ जी अब यहां कहीं अब किसी भी सीट पे कुछ भी करूंगा, किसी भी सीट पे कुछ भी करूंगा तो हमारा हर शीट पे वर्क हो, दिख रहे हैं हाँ जी सब पे हो रहा है। मैं दोबारा करके दिखाऊं, आप पहले वाले शीट पे आइए, शिफ्ट को क्लिक कीजिए, लास्ट वाले शीट पे जाइए। ये देखिए ऊपर ग्रुप हो गया, हो फाइल नेम के तो बाद मतलब ग्रुप लग गया, मतलब कंट्रोल मैं, प्लस शिफ्ट हाँ मैंने इसमें कई सारे शीट को सेलेक्ट कर लिया इकट्ठा। तो ये एक शिफ्ट शीट बन गई। नहीं, एक शीट बना नहीं है, वो कई सारे शीट को सेलेक्ट कर लिया है, कार्बन कॉपी की तरह, जैसे होता है ना, एक पेज के नीचे एक कार्बन लगा अच्छा दिया, सब फिर सेकेंड कॉपी पेज लगा दिया। हो गया। हाँ, तो अब क्या हुआ कि मैं जो भी लिखूंगा या जो भी करूंगा वो कार्बन लिस्ट जो है चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां शीट पे चला जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइम लिखा और यहाँ पे टाइम को टाइप किया, ठीक है। तो जितने भी शीट्स है हमने किया तो एक शीट पे, लेकिन शीट 4 पे जाइए, शीट 5 पे जाइए, सब पे ये ऑटोमेटिकली हो गया, समझ गए। लेकिन ओके ध्यान रखिएगा आपने सेम लोकेशन, आपने शिफ्ट और सारी शीट्स को प्लस नहीं करा नहीं नहीं मैंने पहले वाले, ध्यान से सुनिएगा, मैं पहले वाले शीट पे गया, अपने कीबोर्ड के शिफ्ट की को होल्ड किया और लास्ट वाले की पे क्लिक किया। ओके होल्ड ठीक है बोला मैंने, अब मैंने प्रेस नहीं, होल्ड, मैं उसको दबा के रखना है जब तक कि आप क्लिक ना कर दें, ठीक है समझ गए। हाँ जी ओके तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करते आप देखिए हमारे शीट्स सारे सिलेक्ट हो गए, और जब शीट सिलेक्ट हो जाएंगे तो इस तरह के हाइलाइट मोड में आ जाएंगे और सुपर फाइल नेम में ग्रुप हो जाएगा, इसको ग्रुप करना कहते हैं, समझ गए। जी आप कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो सारे शीट्स पे हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें सारे शीट नहीं, कुछ सिलेक्टेड शीट पे करनी, मतलब कि मेरे पास अगर 6 शीट है तो 6 पे नहीं, 3 या 4 पे करना है, वो सिलेक्टेड शीट पे, मतलब कि एक अब मेरे पास लिस्ट है उस हिसाब से करूंगा। तो उस केस में आप कीबोर्ड के कंट्रोल को होल्ड करें ना कि शिफ्ट को, किसको होल्ड करेंगे, कंट्रोल को। अब जिस जिस शीट पे कंट्रोल क्लिक करेंगे वो शीट आपके ग्रुप में आ जाएगा। अभी मैंने क्लिक किस पे किया, शीट 1 पे, शीट 5 पे, शीट 2 पे। अब मैं कुछ भी करूंगा तो इन्हीं 3 सीटों पे होगा, शीट 4, शीट 6 और शीट 3 पे नहीं होगा। ओके जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करके कर दिया कलर, तो आप देखेंगे कि शीट 4 पे कलर नहीं है बट शीट 1 पे है, शीट 5 पे तो है, शीट 6 पे नहीं है बट शीट 2 पे है, क्लियर है। हाँ जी अब आते हैं कि क्या हम सेल्स में भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो बताया था कि इस शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ कुछ सेल्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करेंगे और जहां जहां क्लिक करेंगे वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा, हो रहा है सिलेक्ट, दिख रहा है। अभी सिलेक्ट पे डिलीट विलीट कर सकते हैं,
फॉर्मेटिंग वगैरह लगा सकते हैं। जैसे फॉर्मेट कलर कर दिया तो उन्हीं सीट पे कलर हुआ जहां जहां मैंने क्लिक किया था कंट्रोल क्लिक करके, लेकिन इसको कॉपी नहीं कर सकते हम, समझ गए? अब मुझे ओके कॉपी करना है तो एक सीक्वेंस में, जैसे मुझे कॉपी करना है तो टू को ए टू को सिलेक्ट किया सी टू एफ टू एच टू, अब इसी को कॉपी करके मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं, दिख रहे हैं? समझे? क्योंकि हमने एक सीक्वेंस में लिया। अगर मान लीजिए मैंने टू थ्री फोर को सिलेक्ट किया तो डी कॉलन में भी हमको टू थ्री फोर सिलेक्ट करना होगा और जी कॉलन में भी टू थ्री फोर सिलेक्ट करना होगा, फिर मैं इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर सकता हूँ। कॉपी अलग अलग होगा लेकिन जब पेस्ट होगा तो इकट्ठा होगा, समझ गए अश्विनी जी? हाँ जी, समझ हाँ आया जी। आपको? ये थी हमारी सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन मेथड थी। अभी आपको कुछ देर में हम एक आर्टिकल वगैरह देंगे पढ़ने के लिए, कि एक फाइल देंगे जिसमें शॉर्टकट्स वगैरह होगा, उसको थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा। फिर कल की क्लास में हम बात करेंगे कैलकुलेशन, कि एक्सेल के अंदर में छोटी मोटी कैलकुलेशन हम कैसे करें।